वालेकुम गाइस। तो आज हम जा रहे हैं थोड़े बहुत मकई के और सूरजमुखी के ना खेले वगैरह निकालने। तो चलो आपको भी दिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं, और ये जट्टा का हथियार। तो चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं तो भाई भी साथ हैं, तो देखते हैं कि आगे कितना काम है और किस हिसाब से करना है। और आपको थोड़ी सी ना गंदम वगैरह भी दिखा देते हैं, तो चेक करें। सुबह सुबह का टाइम है, ऊपर शबनम है, पता नहीं कैमरे में नज़र आती है कि नहीं, देख रहे हैं कितनी प्यारी ये लुक दे रही है। सुबह सुबह इतनी ये चमक रही होती है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ मैं वीडियो सही नहीं बना रहा, कोई ऐसे ही गलतियाँ होती रहती हैं, बट क्या लगे रहो, कभी तो कोई ना कोई वायरल तो हो ही जाएगी। तो सब तो इस तरह खेले हैं और इस तरह हम निकालते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने खेले वगैरह सारे रेडी कर लिए हैं। तो इस जगह को हमने थोड़ा बड़ा किया है ताकि पानी इजीली जा सके, और इस जगह पे एक वाटर ट्रैप बना दी है ताकि पानी इधर से भी इजीली जा सके। इसे पानी लगाना है, और इसके अलावा मिर्चों की पनीरी या फिर बीज, ये तो सुबह ही सिलेक्ट होगा कि क्या चीज़ लगानी है। इस जगह से टुका करना है, और फिर इधर से ये भी एक लाइन रखी गई है पानी के लिए ताकि एंड तक ना इजीली पानी जा सके। पहले ना हमने ये टुके वगैरह निकाल लिए हैं, तो ये काम फाइनल हो गया है। तो नक्के भी कह सकते हैं, टुके भी कह सकते हैं, तो ये हमने काम फाइनल कर लिए। तो अब इसके बाद ना इन खेलों को ना, जैसे ये देख किनारी नज़र आ रही है आपको, तो अब इस किनारी को ना ख़त्म करना है, इसे ठप देनी है। तो इस पे ताकि ठप देने का फ़ायदा ये है ताकि जो ऊपर हम बीज लगाए ना किनारे के ऊपर, क्योंकि मिर्चों का बीज और सूरजमुखी का बीज और मकई का बीज वगैरह लगाना है ना, तो जब पानी लगता है ना तो स्लिप होके नीचे आ जाता है, तो बीज ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए ना हमें ये ठप देनी पड़ती है। तो आपको ठप देने का तरीका दिखाते हैं, और ठप देने के बाद खेलों की क्या कंडीशन हो जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये वो खेले हैं जिनको ना अभी ठप नहीं मिली। तो मैं मतलब इनकी ये किनारी है ना, ये बिल्कुल अभी सही है। तो जो ये खेले हैं इनको ये ठप दे चुके हैं हम, अब ये बिल्कुल ना फाइनल हो चुके हैं। ताकि अब ये इस जगह पे जब बीज लगेगा ना, तो वो बीज बस ऊपर ही रहेगा, स्लिप होके अंदर खेले के अंदर नहीं जाएगा और वो ज़ाया नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप सारे, और इधर ये देखो, पहले ये थे और उसके बाद ये हो गए हैं, किनारी वगैरह ख़त्म हो गई है। को अब ना ठप लगाने का तरीका सिखाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ कहीं उठा सकते हैं, दंदाली उठा सकते हैं, कुछ भी इजीली, बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना क्योंकि वो खेला प्रेस ना हो, सिर्फ हल्की हल्की मारनी। तो उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ये किनारी देख सकते हैं, जब किनारी पे लगता है ना बीज तो ऐसे स्लिप हो गया ना अंदर चला जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन जब ये ठप दे दिया तो देखो वहीं पे, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं हुआ। इतने हम फाइनल कर चुके हैं, और जो बाकी बच रहे हैं वो ये है, अभी काफ़ी ज़्यादा काम है। तो जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर आपको मैं फाइनल दिखा दूँगा। भाई जैसा कि आप देख सकते हो,
कि आखिरकार ये काम सारा ख़त्म हो चुका है, खेले वगैरह सही ठप शप हो चुकी है और अब ये खेले सिर्फ सुबह पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद फसल आप काश्त कर सकते हो। तो इतनी मेहनत करनी पड़ी है, सुबह जब मैं आया था ना तो सूरज इस साइड पे था, मशरक वाली साइड पे, तो सुबह के शायद 7 या 8 बज रहे होंगे और अब जब काम ख़त्म हुआ है तो अब 5 बज रहे हैं और सूरज ग़ुरूब होने वाला है। तो लव यू गाइस। तो जैसा कि कल हमने ना खेलों का काम बिल्कुल मुकम्मल कर लिया था, तो आज हम पानी लगा रहे हैं। तो पानी लगाने के बाद चोनियाँ वगैरह आई हुई हैं, मिर्चों के बीज लगाने हैं, तो आपको लगाने का तरीका दिखाते हैं कैसे लगते हैं। गाइस, तो एट लास्ट हम अब मिर्चों के बीज लगाने लगे हैं। वो दूर ना औरतें काम कर रही हैं लेकिन इधर कैमरे में आ नहीं सकती। तो उसके अलावा जो हम बीज यूज़ कर रहे हैं वो हाजी सन्स ब्रांड है, उनका है, सेमिनेंस कंपनी है, और हाइब्रिड हॉट पेपर। तो वैरायटी का जो नेम है वो SV5508 और जो एक ये पुड़ी का वज़न है वो 10 ग्राम तक है। और जो एक बीघे के अंदर बंदा ना मिर्चें यूज़ करता है ना वो इस तरह 70 ग्राम या 80 ग्राम तक आप एक बीघे में यूज़ कर सकते हो, मतलब इस तरह की 7 या 8 पुड़ियाँ। और ये आर्गन है, थाईलैंड का पैक है, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी बैक साइड पे किसान इनामी मेला, तो ये तो बस ऐसे ही। तो जो केमिकल और जो जहर इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो ये है सेमी चिंग, और ये इसकी बॉटल्स वगैरह, और ये पानी लग रहा है। मज़ीद मैं जूम करके गाइस, जैसा कि मैंने आपको ना बीज के बारे में तो बता दिया, तो अब बीज लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता चलूं कि बीज लगाते कैसे हैं और कौन कहाँ पे लगाना है। तो बीज लगाने का सबसे सही तरीका ये है कि सबसे पहले खेलों को पानी वगैरह लगा दो। पानी लगाने के बाद तो थोड़ी देर उसे, मतलब 1 घंटा या फिर आधे घंटे तक उसे पानी को, मतलब फुल एक अपनी सतह पकड़ने दो। सतह पकड़ने के बाद जब वो सेम करे तो जहाँ पे उसकी सेम ख़त्म हो रही हो ना उस जगह पे बीज लगाया जाता है, जैसे कि इस जगह पे ऐसे ही। तो जैसे कि आपने कल देखा था ना कि हमने खेलों को ठप दिए, ठप देने का देखो फ़ायदा ये है कि पानी लग चुका है, खेले बिल्कुल महफूज हैं और बीज जो हमने लगा दिए ना वो अब गिरने का कोई चांस नहीं है, अब बीज ज़ाया नहीं होगा। अगर कल हम ठपना देते ना तो किनारी घिरने का चांस, जैसे इधर होता है जैसे ही बट्टा है तो ऐसे घिर जाना था सब कुछ बीज, जैसे जैसे पानी लगना था, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही मोर इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बीज बिल्कुल महफूज है। तो और बीज लगाते फासला भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक और दूसरे बीज के अंदर ना कम अज़ कम 9 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा एक फिट तक, 12 इंच या 1 फिट तक ना फासला होना चाहिए। और तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी तरफ से तो सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मज़ीद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके माइंड में कोई और सवाल हो तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट में ना ये भी बता सकते हैं कि आपको ना नेक्स्ट कैसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और कैसी वीडियोज़ आपको चाहिए, तो आप वो भी बताएँ, तो हम उस पर भी काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई गलती हो गई हो, कोई चीज़ रह गई हो वो भी आप बता देना, तो मज़ीद हम उसे भी ऐड कर देंगे। तो अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और अपनों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह।